अगर आप इंटरमीडिएट साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देख करके आगामी वार्षिक परीक्षा में अपना 10 मार्क कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, यह 2016 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आयोजित एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने आंसर दिया है, ये बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और यहाँ पर बगल में सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एफ फंक्शन ए टू बी एक आच्छादक फलन होगा यदि। तो इनका सही ऑप्शन बी हो गया, आंसर हो गया एफ ए बराबर बी। चूँकि ऐसा इसलिए होता है कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो तो वह फलन क्या होता है, आच्छादक होता है, वन टू फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में आप देख सकते हैं कि कोस इनवर्स -1/2 है। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और हो सकता है कि 1/2 की जगह आपको √3/2 ही रख दे, लेकिन रूल और सूत्र का इसी प्रकार से प्रयोग करना है। तो होता है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर 1/2 है, इसलिए पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा। अब आप ध्यान लगाइए कि कोस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लोग जानिए कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस प्रकार से कोस कोस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई थ्री, भिन्न का घटाव कीजिए 2π/3 आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 2π/3। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट सूत्र ही है, इनका मान होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इनका भी मान याद रख लीजिए π/2। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इनका भी मान π/2 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, यहाँ पर आप सारणिक का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। आपको ए बी सी ना करके यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड ही कर दे, तो उस स्थिति में भी ध्यान रख रहा है कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होगा। और आपको यूजिंग क्या करना है, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है तो आप यूजिंग कर सकते हैं R1 tends to R1 minus R2 एंड R2 tends to R2 minus R3, ऐसे करके थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है। इनको आप देख सकते हैं, ए माइनस बी फर्स्ट रो से कॉमन ले सकते हैं और सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। फिर आगे की क्रिया करेंगे तो आपको सी माइनस ए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पर आप मैट्रिक्स ए बराबर देख सकते हैं, मैट्रिक्स बी बराबर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है 2a + 3b का। तो 2a यानी मैट्रिक्स ए में 2 से गुना होगा सभी एलिमेंट में। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8 और -4 × 2 = -8। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको गुना किया है हमने, बी में 3 से गुना है, तो 7 * 21, 8 * 24, 5 * 15, 6 * 18। अब जोड़ दीजिए, 21 * 6 = 27 हो गया, 12 * 24 = 36 हो गया, 8 * 15 = 23 हो गया, -8 + 18 = 10 हो गया। ये ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है। तो इनका जो ऑप्शन है यह गलत दिया हुआ है, लेकिन आंसर सही यही होता। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप देख रहे हैं कि डी कोस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो यही दोनों का सूत्र सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। कोस इनवर्स में माइनस लग जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं सी में, और साइन में माइनस को हटा दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात है कि डी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स डी एक्स, इनका वैल्यू कितना होगा, इनका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो आप लोग जान लीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, π/2 कॉन्स्टेंट है, इनका
डिफरेंशिएशन शून्य होगा। तो सात का सही ऑप्शन आपको बी हो गया, आंसर हो गया शून्य। क्वेश्चन नंबर आठ में है, यदि वाई बराबर कोस लोग एक्स तो डी वाई वाई डी एक्स बराबर व्हाट। सिंपल बात, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और लोग एक्स का होता है वन बाय एक्स। यहाँ पर आप इनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन आपको बी हो गया और आंसर यही हुआ। क्वेश्चन नंबर नौ में है, यदि वाई बराबर एक्स क्यू तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिएटिव इनका प्राप्त करना है। प्रथम बार हम इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपको प्राप्त होगा थ्री एक्स स्क्वायर। पुनः उनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सिक्स एक्स, तीन दूनी छः। पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, पावर में से एक घट जाता है। तो इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन नौ का सही ऑप्शन आपको बी हो गया, आंसर हो गया सिक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटेग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एट डी एक्स इजकल टू व्हाट। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक जुट जाता है और जितना पावर होता है उन्हीं से भाग दिया जाता है। तो आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ होगा और नौ से क्या करना है, भाग दे देना है। तो इनका सही ऑप्शन दस का सही ऑप्शन आपको हो गया डी और आंसर हो गया एक्स टू द पावर नाइन बटा नाइन प्लस के। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, जीरो का एक्स के सापेक्ष समाकलन होता है तो इनका के होता है। ऐसा नहीं कि जीरो आप लोग जीरो में टिक मारिए। यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, इनको आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि इंटेग्रल ऑफ वन बाय वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, इनका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। कंजुगेट से गुना कर दीजिए, वन प्लस साइन एक्स से गुना करेंगे तो नीचे में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर में वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स से बारी बारी से भाग दीजिए तो वन बाई कोस स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स और सेक एक्स होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है और प्लस के इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऐड कर देना है। तो देखिए यह ऑप्शन जो है बारह का सही ऑप्शन बी हो गया, आंसर हो गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के। क्वेश्चन नंबर तेरह, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी है तो इनका इंटीग्रेशन पहले हम ज्ञात करेंगे तो एक्स क्यू बाई थ्री होगा। और इस प्रकार से इनका सही ऑप्शन आपको होगा, सही ऑप्शन इसका होगा ए क्यू माइनस बी क्यू बाय थ्री, ये बी होगा, इनको ए नहीं पढ़िएगा, इनका सही ऑप्शन आपको बी होगा। और यहाँ पर भी जो है ये लिमिट चेंजिंग के कारण इस प्रकार से आंसर आ गया है, ये नहीं होगा। तो तेरह का सही ऑप्शन बी, आंसर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू बाय थ्री। क्वेश्चन नंबर चौदह, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तो आपको क्या करना है कि जुट रहा है पावर, इसलिए आप इनको गुना कर सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई होगा। फिर आप क्या करेंगे कि ई टू दी पावर वाई को इधर वाई के तरफ ले आइए तो माइनस हो जाएगा, और डी एक्स को ई टू दी पावर एक्स से गुना कर दीजिए, फिर इनका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए तो आपको ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस के इजकल टू जीरो प्राप्त होगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चौदह का सही ऑप्शन ए और आंसर हो गया ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस के इजकल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर पंद्रह में है कि रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू का समाकलन गुणक है। तो समाकलन गुणक इनका डायरेक्ट सूत्र ही होता है डी, इसका ऑप्शन से ऑप्शन डी हो गया।
आंसर हो गया ई टू द पावर इंटेग्रल ऑफ पी डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 16, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वल टू एक्स की कोटि है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिएटिव है इसलिए कोटि इसका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बट डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू इसक्वल टू वाई क्यू का घात है, यानी इसका डिग्री आपको बताना है डिग्री कितना होगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिएटिव होता है उस पर हाईएस्ट पावर होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिएटिव यहाँ पर देख रहे हैं कि डी स्क्वायर वाई बट डी एक्स स्क्वायर इन पर पावर 2 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश है, पोजिशन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो इनका एकदम सिंपल बात याद रखिए कि एक्स वाई जेड के अतिरिक्त कोई भी बिंदु दे दे तो आप उस बिंदु को खोजिए कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन डी आंसर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ माइनस आई प्लस टू जे माइनस थ्री का रिजल्टेंट याद करना है। तो करना क्या है कि रूट के अंदर में आप देखिए आई जे के कि आगे में जो भी कोफिशियंट हैं उनको वर्क करके जोड़ दीजिए तो मान आएगा रूट ओवर 14, यही इसका आंसर हो गया। तो 19 का सही ऑप्शन डी आंसर हो गया रूट ओवर 14। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः 1, 2, 3 और -3, -4, 0 हो तो ए बी वेक्टर बराबर व्हाट। तो आपको करना क्या है ए बी वेक्टर बराबर होगा पोजिशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ए। आपको करना क्या है कि ये पॉइंट जो आपको दो दिए गए हैं तो x2 - x1 करना है, y2 - y1 करना है, z2 - z1 करना है। इस प्रकार से घटाएंगे तो आपका ये आंसर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 4i - 6j - 3k। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर भी दिया हुआ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आपको यहाँ पर 3 को 4 से गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, 2 को आपको गुना करना है -5 से तो 2 × -5 - 10 हो गया। फिर 1 को गुना करना है 3 से तो 1 × 3 = 3 हो गया, तो 12 × 3 = 15 - 10 = 5 हो गया। 21 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी परस्पर लंब हो, तो आप लोग जान लीजिए कि ए और बी परस्पर लंब हो तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। परस्पर लंब है तो थीटा का मान 90 डिग्री हुआ, इसलिए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो इनका सही ऑप्शन आपको बी होगा, आंसर होगा 0। जब दो सेम वेक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए उनका वैल्यू 0 होता है, एंगल 0 बनता है, इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा, के वेक्टर। नंबर 25, के डॉट के, यानी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स अक्ष की दिक को जे आए होती है, यानी डायरेक्शन को साइन। तो इनका सही ऑप्शन आपको बी हो गया, आंसर हो गया 100। अक्ष की डायरेक्शन को साइन आपको बी हो गया। अगर y अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन मांगता तो इसका सही ऑप्शन सी होता, अगर z अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन मांगता तो इनका डी होता। अब क्वेश्चन नंबर 27, यदि l m n एक सरल रेखा की दिक हो जाए हो तो ये डायरेक्ट सूत्र ही है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 128 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी सरल रेखा के दिक अनुपात 1, 3, 5 हैं तो रेखा की दिक को जे आए हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको ए हो गया, आंसर हो गया 1/5
रूट ओवर 35 कोमा 3 बाई रूट ओवर 35 कोमा 5 बाई रूट ओवर 35। तो 29 का सही ऑप्शन ए हो गया। 30 दो सरल रेखाओं के दिक अनुपात एल एम एन और एल वन एम वन एन वन हैं, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी। तो लंब के लिए आप जान लीजिए कि इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, और अगर वहीं समांतर होती तो इसका सही ऑप्शन आपको होता ए। तो लंब के लिए सही ऑप्शन सी, और समांतर अगर पूछ दे तो वही क्या होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में एक सरल रेखा 2-1, 3 से गुजरती है, तो इसके दिक अनुपात 3-1, 2 हैं, इस रेखा के समीकरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन आपको बी हो गया, आंसर हो गया x-2/3 = y+1/-1 = z-3/2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र ही होता है कि x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आपको 3-1, 2 दिए हुए हैं, x1, y1, z1 का भी मान दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन बी होगा। नंबर 32 रेखाएं x-1/l = y+2/m = z-4/n एंड x+3/2 = y-4/3 = z/6 एक दूसरे के समांतर होगी। यहाँ पर आपको हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया, समांतर के लिए सूत्र ही होता है l1/l2 = m1/m2 = n1/n2। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन बी आएगा, आंसर होगा 3l = 2m = n। क्वेश्चन नंबर 33 पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 0-1, 3 से तल 2x+y-2z+1 = 0 पर लंब की लंबाई है। तो लंब की लंबाई बराबर होता है ax1+by1+cz1+d। तो यहाँ पर उसके अनुसार देख रहे हैं कि x1, y1, z1 और आपको a, b, c और d का भी वैल्यू दिया हुआ है। रूट ओवर होता है a² + b² + c² यहाँ पर आप इनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, इनका सही ऑप्शन डी हो गया, आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PA = 3/8 है, PB = 1/2 है, PA intersection B = 1/4 है, तो PA/B = what? तो PA/B होता है PA intersection B/PB। तो A intersection B का 1/4 मान दिया हुआ ही है और PB का मान 1/2 है, तो 2×2=4 इसका सही आंसर आ गया 1/2। 34 का सही ऑप्शन बी आंसर हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 35 यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो PA B0 बराबर होगा आपको PA × PB0। 35 का सही ऑप्शन आपको बी हो गया, ये सूत्र ही है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मैट्रिक्स यहाँ पर 3-5-2K का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि k का मान है। तो आप लोग जानते ही हैं जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, उनका इनवर्स प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपको करना क्या है कि determinant A = 0 इनको हम a मान लेते हैं, इनका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सारणिक वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, कोना कोनी गुना कीजिए, 3 × k -5×10 3k-10 = 0, इसलिए k = 10/3। यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, तो 36 का सही ऑप्शन सी आंसर हो गया 10/3। क्वेश्चन नंबर 37 में इनका आपको सारणिक मान निकालना है। यहाँ से क्या कीजिए, 2 लीजिए, तो 2 लेंगे तो
ये मान कट गया, ये मान कट गया, कोना कुनी गुना कीजिए, पाँच चौकी बीस, जीरो गुना सात, तो टू इंटू क्या होगा, बीस माइनस जीरो, बीस दूनी चालीस। इसका सही ऑप्शन आपको ये हो गया, आंसर हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 38 में है, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट सूत्र ही है, इनका सही ऑप्शन आपको डी हो गया, 2 टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 39, इंटेग्रल ऑफ माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इनका इंटीग्रेशन जो होगा कोट इनवर्स एक्स प्लस के होगा। 39 का सही ऑप्शन आपको डी हो गया, आंसर हो गया कोट इनवर्स एक्स प्लस के। अगर यहीं पर माइनस नहीं होता तो इनका सही ऑप्शन ए होता, टेन इनवर्स एक्स प्लस के, इनको भी ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटेग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी डायरेक्ट सूत्र ही है, इनका सूत्र होता है, इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस के, तो इसका 40 का सही ऑप्शन ए हो गया, आंसर यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने 2016 में पूछे गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी पिछले वर्षों का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और उनका आंसर जानने हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।